हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमईन, किसी की जीत हुई न हार। अदालत ने कहीं भी बदनीयती का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। अदलिया की आजादी और बालादस्ती सबसे मुकदम है। मौके खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि हमारी ख्वाहिश होगी जस्टिस काजी फाइजीसा के फैसले पर मजीद कोई बात न की जाए। तफसीली फैसला जो भी आएगा वो हमारे लिए एक रहनुमाई होगी। हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि जजेस से मुतालिक मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल देखे। रिपोर्ट हुकूमत को नहीं बल्कि सीधी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सेक्रेटरी को भेजी जाएगी। ये नहीं कि किसी सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन सवाल का जवाब ना देने का वाहिद मकसद किसी भी किस्म की कंट्रोवर्सी में एंगेज ना होना है। कि जैसे ही डिसीजन अनाउंस हुआ उसके बाद एक इस किस्म का माहौल बनाया गया कि शायद ये किसी की जीत है या किसी की हार है। ये हरगिज किसी की जीत नहीं है और किसी की हार नहीं है। ये वो प्रोसेस है जो जमहूरी माशरों में कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स में होता है, लेकिन इसको किसी भी और रंग में पेश करना बड़ा गलत है। और जो कुछ रिपोर्टिंग हुई, एक लफ्ज बदनीति का इस्तेमाल किया गया, कुछ हमारे वकला दोस्तों ने भी बात की, मैंने ये 13 सफाती जजमेंट है, इसको बारहा पढ़ा है। कंप्यूटर के अंदर आप कंट्रोल एफ भी कर सकते हैं, मेलाफाइट का लफ्ज लिख सकते हैं, आपको कहीं वो लफ्ज नजर नहीं। बाकी जो भी फैसला तफसीली भी आएगा वो हमारे लिए ऑफ कोर्स गाइडेंस है।